बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं अशोक भारती जी का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज की इस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। पिछले चंद वर्षों से मुझे एक बात का डर लगने लगा है, क्योंकि अब मैं हमेशा कुछ महफिलों में कहता रहा कि मैं मन की बात नहीं करूंगा। मैं दिल से बात करूंगा, क्योंकि जो नैरेटिव इस देश के अंदर बनाया जा रहा है वो सब आप समझते हैं, जानते हैं। कुछ इशारों किनारों में मैं यहाँ हथियार उठाने की बात हुई है तो मैं हथियार उठाने की बात तो नहीं करता, लेकिन बुलेट स्पाइन में बात करने की कोशिश करूँगा। किसको कहें अब, किससे शिकायत करें और किसका आकलन करें। अभी चार दिन कल झाड़ू पार्टी के एक बड़े नेता, उन्होंने अपनी मानसिकता का एक मुजाहरा किया और 5000 साल से जो वंचित समाज था, जिसको 70 बरस पहले बाबा भीमराव अंबेडकर की कोशिशों से समाज में एक मकाम मिला और रिजर्वेशन उसका एक जरिया बना, वो झाड़ू पार्टी के नेता ने उसकी मुखालफत कर दी। तो समझने की जरूरत है कि आपके दोस्त और आपके दुश्मन जो हैं वो कहां कहां बैठे हुए हैं। ये इनको बताने की जरूरत है कि ये जो गंदगी आपके जहनों के अंदर और दिमागों के अंदर है, इस गंदगी को हम समझ रहे हैं। और आप ऐसे जब वक्तव्य देते हो तो अपनी संकीर्ण राजनीति और जो आपकी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता, उसका मुजाहरा करते हो, उसका हम जवाब देंगे। मैं जो समझा हूं दो तीन बातों को वो आपके सामने रखूंगा कि इस देश के अंदर जब तक दलित समाज सोन आर्मी बना रहेगा तो उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब भीम आर्मी बनेगा और भीम युवा सेना बनेगा तो परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप भीम आर्मी बनेंगे तो चंद्रशेखर का जैसा हाल करने की कोशिश की जा रही है वही हाल आपका करने की कोशिश की जाएगी। जब ऊना का हादसा हुआ था तो पहला मुसलमान था मैं जो यहां से ऊना चार दिन के अंदर यहां से पहुंचा। मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता कि चंद्रशेखर हो या मवानी हो, ये हर शहर में और हर कस्बे में जब तक आप पैदा नहीं करेंगे तो आपके मसले हल होने वाले नहीं। मेरा अपना मानना ये कि समय आ गया है। हमारे से पूर्व वक्ता जो थे बहुत गौर से सुन रहा था महाराज की, आप चौधरी साहब आप आए महाराज तो की नगरी तो है लेकिन भीमराव की भूमि
और जब मैं आपको सुन रहा था तो मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि भीमराव का संदेश क्या अभी जिंदा है या भूमि हो गया। कितने वक्ता ऐसे हैं जो आप ना पूछते हैं। मैं बहुत दलितों की महफिलों में जाता हूं। दो बातें और कहके, क्योंकि बहुत वक्ताओं की बड़ी लंबी फहरिस्त है, हमने दलित मुस्लिम डायलॉग पिछले साल कराया था, पहला डायलॉग था वो चल ही रहा है, उसको बाद में कुछ लोगों ने और उसको आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूं कि इस समय भारतवर्ष के दो वंचित समाज है, एक दलित समाज है और एक मुस्लिम समाज है। आमने सामने खड़े होने की बजाय साथ साथ खड़े होने का अगर इंडा हमने बना लिया तो इस देश की जो तकदीर है वो दूसरी होगी। ये चंद मुट्ठी भर लोग जिस तरीके से इस संकीर्ण राजनीति को अपनी और संकीर्ण राजनीति की रोटियों को अपनी सेकना चाहते हैं उसको हमें समझना होगा। मैं एक वाक्य बताऊं आपको, सन 54 का दिल्ली में एक मौलाना थे, मौलाना अहमद सईद साहब, दिल्ली के टाउन हॉल के ऊपर उसके सभागार में एक जलसा हो रहा था कास्टिज्म जात पात के खिलाफ, बड़े बड़े लोग वहां बैठे हुए थे। तो मौलाना को तकरीर करने के लिए बुलाया गया कि आप जात पात के खिलाफ तकरीर कीजिए। तो बराबर में जो उनके एक दलित नेता बैठे थे उनसे उन्होंने कहा था इस गिलास में जरा आधा पानी पी लीजिए। और जब गिलास में आधा पानी पी लिया तो बचा हुआ पानी पीने के बाद कहा कि जात पात ऐसे खत्म होगी, तकरीर से खत्म नहीं होगी। आपके घर में बिस्लरी की बोतल का पानी साथ लेकर लोग आ सकते हैं, लेकिन आपकी प्लेट में कौन व्यक्ति खा सकता है उसको समझना होगा। आज एक चर्चा आपने शुरू की, मैं समझता हूं कि ऐसी चर्चाएं बराबर होनी चाहिए और जब तक चर्चाएं नहीं होंगी रास्ता नहीं निकलेगा। ये जो हमने आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, चर्चाओं से आंदोलन का रास्ता खुलता है, समाज में चेतना आती है। तो अगर चेताना है समाज को तो ऐसी चर्चाएं एक दो दर्जन सैकड़ों नहीं हजारों होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। मैं आपका एक बार फिर आभारी हूं कि आपने भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर जो ये आज सभा यहाँ की है, जो चर्चा की है, मैं समझता हूँ कि वो चर्चा एक ऐसी नतीजे में पहुँचेगी जो आने वाले दिनों के अंदर एक ऐसे आंदोलन को शुरू कर सकती है जिसकी आज देश को इसलिए जरूरत नहीं है कि वो दलितों का इशू है या मुसलमानों का इशू है, बल्कि इसलिए जरूरी है कि भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था अगर उसको हमें साकार करना है तो हमें बार बार बैठकर जो साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं उनको समझना चाहिए और उनको समझने के साथ उसको किस तरह उसका मुकाबला करें उसको हमें तय करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत धैर्य और सब्र के साथ मुझे सुना, और अशोक जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया।